कलाकारों ने DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस ऑनलाइन एडमिशन ओपन विजिट dpsajmer.in। आज हम यहाँ पर राजस्थान के जितने भी लोक कलाकार हैं, धार्मिक भजन मंडल के जितने भी कलाकार हैं जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का आज ये कोरोना महामारी के संकट में कोई भी कलाकार किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है, तो हमारे राजस्थान में काफ़ी संख्या में गरीब तबके के कलाकार हैं, क्योंकि वो जिनका जीवन यापन इसी कलाकारी से चलता है। और आज इस कोरोना महामारी के संकट में कोई भी कलाकार किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है, तो हम सभी ने आज यहाँ पर आकर ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, जिलाधीश महोदय को। तो हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार आर्थिक सहायता स्ट्रीट वेंडरों को जो दी जा रही है सरकार के द्वारा, उसी प्रकार हम कलाकार को भी कुछ आर्थिक सहायता मिले। क्या आश्वासन दिया है आपको कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया कि भाई हम आपके शिकायत जो है आपके वो आगे तक भेज देते हैं, आप आगे से क्या आदेश आता है, जो सरकार का आदेश होगा वो हम सबको मान्य होगा। आपका नाम बताइए। संजय कुमार भट्ट, अध्यक्ष राजस्थान लोक कलाकार संघ। वो ढोल में जाते थे, ढोलक वगैरह भी बजाते थे, सिंधियों में वराणे में जाते थे वो। अब 3 सालों में मैं मेरे बच्चे को कैसे पाल रही हूँ वो मैं जानती हूँ। 7 बच्चे हैं मेरे। अभी मैं घरों में काम करती हूँ, 4-5 घरों में मेरी काम वालों ने कुछ सहायता नहीं करी मेरी, कि अभी मेरे बच्चों को कैसे मैंने रोटी खिलाई वो मैं जानती हूँ। और अब सरकार को ये समझना कि भाई हमारा कुछ थोड़ा बहुत सोचो आप भी, कि हमारी मदद करो तो हमारे बच्चे को थोड़ा हम खिला सके कुछ। किस तरह की मांगे हैं आपकी? किस तरह की मांगे हैं? देखो हमारी ये मांगे हैं कि भाई सरकार को, अभी सभी दूर पहुंचा रहे हैं, कोई 10,000 कोई 5,000 ऐसे पहुंचा रहे हैं खातों में। हमारे खाते में अभी तक पेंसिल भी नहीं आई है, मेरी विधवा पेंसिल भी नहीं आई है, मेरी एक बच्ची का है स्कूल का उसको भी नहीं आ रहा अभी तक कुछ भी, तो मेरे परेशानी भी आ रही है। परिवार ऐसे है? परिवार हम वैसे हमारे परिवार में हम 4 भाई हैं। लगभग कितने लोग बाग होंगे कुल ऐसे बेरोजगार के अंदर? हमारे है 35। आपका नाम बताइए। मेरा नाम द्रौपदी जी है।